So hi and welcome to another episode of MBA with Arshikan, and in this video I'm going to review a B school which is known as GEMS Jaipur. जयपुर के कई सारे कॉलेजेस को रिव्यू किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ही थोड़ा सा फाउंडेशन आ जाता है कि हम जयपुर के बाहर कॉलेजेस नहीं देख सकते हैं, तो उन्हीं का सोचते हुए आई एम रिव्यूइंग दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड जिम्स जयपुर एंड जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जयपुर। आपने जिम्स रोहिणी, जिम्स कालका जी सुना होगा, उन्हीं का ये कॉलेज है जो कि जयपुर में लोकेटेड है। हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो 2006 का ये कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, AICTE अप्रूव्ड है, राइट, एंड प्रमोटेड बाय जिम्स दिल्ली है, जयपुर में है, कैंपस एरिया 100 acres है और 9 faculties हैं। नाउ कमिंग टू द PGDM एडवांटेज, ये कुछ इनका वेबसाइट पे था, लर्निंग थ्रू कम्युनिटी अप्रोच, लर्निंग थ्रू मेंटोरशिप अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, कोलैबोरेशन लर्निंग अप्रोच, तो ये एज पर कॉलेज है। SAP ट्रेनिंग कराता है, राइट, SAP की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड नंबर वन यू नो बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मोर देन 66% ऑफ वर्ल्ड टॉप्स कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, फेसबुक, रिलायंस, TCS यू नो ये यूज करती हैं SAP का प्लेटफॉर्म, तो ये आपके PGDM में इंक्लूड रहता है और इसकी वजह से आपके पैकेजेस इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, HR, फिनांस, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, IT जो है स्पेशलाइजेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% इन योर ग्रेजुएशन, आपको इनका एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, अगर आप फिल करना चाहते हो तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी आप डिटेल्स भी ले सकते हो, स्टूडेंट से बात कर सकते हो, देन उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। VET PI होता है, VET PI नहीं, इन रियल इंटरव्यू होता है एंड देन उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, तो एडमिशन प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक ऑल दी कॉलेजेस अक्रॉस दी कंट्री। आपको फॉर्म भरना है, आपके एंट्रेंस का स्कोर लगेगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन बेसिक स्किल्स देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। फी स्ट्रक्चर 6,45,000 है एंड यूजली मुझे लगता है जिम्स जयपुर वो बच्चा लेगा जो जयपुर में रहता है, तो उसका हॉस्टल चार्ज नहीं रहेगा, या फिर जो आसपास की जगह है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में दूसरी जगह से बच्चा आ सकता है, MP का बच्चा जा सकता है, गुजरात से पास है, तो आई मीन डिपेंड, ये सारी नियर बाय स्टेट से कहीं ना कहीं स्टूडेंट आएगा तो उसका हॉस्टल का चार्ज भी जो है वो रहेगा। हॉस्टल में 1,15,000 AC नॉन AC 1,00,000 rupees का चार्ज है एंड दैट इज एनुअल चार्ज, तो 2,00,000 का आपका ये खर्चा हो जाएगा, तो 6,45,000 मतलब 8-9,00,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, मतलब ये चीज़ अच्छी है कि कैट में 60 है, ये सीमैट में, मैट में 75 है, तो 50,000 की स्कॉलरशिप है, कैट जैट में 70 है और इसमें 85 है, तो 1,00,000 की स्कॉलरशिप है, तो ये स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हो। अकेडमिक्स में अच्छा है तो भी यू नो ये कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर करता है 50,000, 1,00,000 एंड 1,50,000, तो आप ये सारी स्कॉलरशिप भी देख सकते हो। मैं अगेन बात यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जयपुर में कॉलेजेस देख रहे हो या फिर आप जयपुर के साथ आपके पास बाहर की लोकेशन, वहां पे ये वेरी करेगा कि इसको आपको कौन सी पोजीशन पे रखना है। आपकी जो कॉलेजेस की लिस्ट है, बी स्कूल्स की लिस्ट है, जयपुर में देख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट, बट अगर और भी ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में इसको कहाँ रखना, क्योंकि यू नो जयपुर में जयपुरिया भी है, तक्षशिला भी है, ऐसे और भी कॉलेजेस हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ये चूज करूँ या वो चूज करूँ, तो ये सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यू नो एवरेज पैकेज 6.8 का क्लेम कर रहे हैं, मिनिमम 4.8, 16.5 इज द हाईएस्ट पैकेज, राइट, एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर 40%, सो जिस हिसाब से एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से ROI के टर्म्स में बुरा ऑप्शन नहीं है, राइट, एंड यू नो बात वही है कि यू नो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है और प्रोफाइल के हिसाब से और कौन कौन से दूसरे कॉलेजेस आपकी लिस्ट में और उनमें से इसको कहाँ पे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना चाहिए। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा कम भी कर दूँ तो भी मतलब डिसेंट ROI है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड रिक्रूटर्स में ये सारे रिक्रूटर्स हैं and that's all about this video. I think you know I have tried to answer all your questions, but end mein decision aap bachcho se baat karo, agar nahi reach out kar pa rahe ho to niche ka form fill karke bachcho se contact number lo and then decide karo kahan jana hai kahan nahi jana hai. This was me Arshikan signing off, milte hain aur video ke sath.
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.